अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। 17th of September 2022 एंड द डे इज सैटरडे। टाइम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो शाम के 5:30 हो चुके हैं। ओवरऑल मैं अराउंड 55-60 वीडियोस चंगान एल्सविन के ऊपर बना चुका हूँ और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। बट आज एक चंगान के ग्रुप से स्क्रॉल करते हुए एक तो एक क्यूरी अपने एक भाई की नज़र आई जिसके ऊपर मैं आज एड्रेस करने जा रहा था। और यही मैं सोच रहा था कि आफ्टर मेकिंग सो मैनी ऑफ द वीडियोस, एक ये वाला एक फीचर है जिसके ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं की। ऑल दो बड़ा बेसिक सा फीचर है, ज़्यादा इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट बात कर लेना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उन भाई की भी इस बेसिक सिंपल से फीचर की एक क्यूरी थी। अब अगर उनकी क्यूरी निकली है तो इट मीन्स कि कल को किसी और की भी निकल सकती है। तो मैंने कहा एक डिटेल वीडियो बना देते हैं जिसमें सारों का फायदा हो जाए। सो स्टार्टिंग विद जिस फीचर की मैं आज बात कर रहा हूँ, दैट इज दी ऑटो विंडोज। और आज की डेट के लिहाज से देखा जाए तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर एंड यूजर की ख्वाहिश होती है, हर ड्राइवर की ख्वाहिश होती है कि उसकी गाड़ी के अंदर ऑटो विंडोज का फंक्शन होना चाहिए। जहाँ पर हर ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑटो विंडोज दे रहा है, उसी के साथ साथ जिन जिन गाड़ियों के अंदर ऑटो विंडोज़ का फीचर नहीं है, वो आफ्टर मार्केट में जाकर वो अपना फीचर इंस्टॉल करा रहे हैं और लेटेस्ट गाड़ी का मज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चंगान एल्सविन जो है उसके अंदर ऑटो विंडोज़ नंबर वन आती हैं। नंबर टू जो स्टेयरिंग व्हील है उसके ऊपर जो मल्टी मीडिया बटन्स हैं, उनके बैक साइड पे आपने देखा होगा कि लाइट नहीं है, जिसकी वजह से रात वाले टाइम में या अंधेरे में उनको स्क्रॉल करना मुश्किल होता है। बट चंगान ने जो ऑटो विंडोज के जो बटन्स हैं उनके नीचे उन्होंने लाइट्स दी हैं, तो रात को उनको एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा, अब कंसर्न के ऊपर आते हैं। कंसर्न उन भाई का ये था कि भाई मैं ऑटो विंडो लॉक जो है उसको जब मैं प्रेस कर भी देता हूँ तो जो विंडोज़ हैं वो लॉक नहीं होती, उनको एक्सेस स्टिल किया जा सकता है। पहले तो वीडियो देख के मैं खुद हैरान रह गया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ऑटो मतलब वो लॉक का ऑप्शन हो और विंडोज़ लॉक ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। बट जब मैंने उनकी वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि वो लॉक कर रहे हैं, बट जितनी भी एक्सेस की वो वीडियो दिखा रहे हैं वो ड्राइवर साइड की दिखा रहे हैं। तो उन भाई के लिए और उन तमाम भाइयों के लिए जो कि फ्यूचर में अगर इस क्यूरी में फंसते हैं या उनकी क्यूरी ये जेन में आती है कि जो लॉक की ऑप्शन है या उसकी जो जिस मकसद के लिए वो लॉक बनाया गया है वो पैसेंजर साइड और बैक साइड पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए है। नॉर्मली ये वाला जो लॉक का फीचर है ये बच्चों के लिए होता है कि बच्चे बद एहतियाती करते हैं और अगर उनका हाथ बटन पर लग जाता है तो शीशे का खुलना या शीशे के बंद वाली ऑप्शन आ सकती है। बट आपने ओवरऑल भी गाड़ियों के अंदर देखा होगा कि जितने भी इस तरह के फीचर्स होते हैं मेन जो कंट्रोल होता है वो ड्राइवर के पास होता है। तो चाहे आप वो उस विंडोज़ को लॉक कर भी देंगे तो ड्राइवर हैज़ दी ऑप्शन जिसमें वो चारों विंडोज़ को एक्सेस कर सकता है। ये तो हो गया दो। एक और चीज़ जो ऑटो विंडोज़ में चंगान ने मिस की है, अगले मॉडल जो भी इसका आता है उसमें ये अगर फंक्शन दे देते हैं तो एक एडिशन हो जाएगा। नथिंग, कोई रॉकेट साइंस उसके अंदर भी नहीं है। और वो फीचर जो मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो विंडोज़ के लिहाज से होना चाहिए, दैट इज़ ऑन अ सिंगल क्लिक चारों विंडोज़ का ओपन होना और चारों विंडोज़ का बंद होना, वो वाली ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जो फंक्शन दिया गया है ऑटो विंडोज़ का, उसमें यू हैव टू कीप प्रेसिंग द बटन और उसमें जब तक वो शीशा बंद नहीं हो जाता या शीशा नीचे नहीं आ जाता वो वाली ऑप्शन चलती है। तो अगर वो नेक्स्ट मॉडल के अंदर ये ऑप्शन दे देते हैं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये एक मतलब वो फीचर था जिसके ऊपर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी। टू बी ऑनेस्ट, आज मैं जब ये वीडियो बना भी रहा था मैं शायद सोचता भी ना इस वीडियो को बनाने का, बट उन भाई की क्यूरी आई तो मैंने कहा चलो यार एक मौका मिल गया कि ये टॉपिक भी बीच में डाल देते हैं। क्या पता बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बाजू का बेसिक चीज़ उनके जेन में नहीं, मतलब वो क्लिक नहीं कर पा रहे होते, तो अगर मेरी वीडियो से उनका कोई उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है तो वेल इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।